बुरहानपुर के रीढ़ की हड्डी कहलाने वाला बीड़ी उद्योग और उसमें लगे मजदूर पूरी तरह भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। शहर में लगभग 25,000 से अधिक परिवार इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन की अनदेखी, नियुक्ताओं की मनमानी और एक्साइज विभाग की मिलीभगत ने इस उद्योग को बंद होने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। मजदूरों ने बताया कि उन्हें जो रॉ मटेरियल दिया जाता है वह कम और मजदूरी भी कम दी जाती है। उन्हें स्वास्थ्य के नाम पर कोई सुविधाएं भी नहीं है। जिन बस्तियों में बीड़ी मजदूर निवास करता है वह मलिन बस्तियां हैं। वहां सड़क, पानी और बिजली नहीं है, जिससे उनका गुजर बसर मुश्किल है। मजदूरी भी नहीं मिलती हमारे को और सरकार की तरफ से दूसरा लॉकडाउन गुजर रहा है, अभी तक के इसके मतलब कोई लाभ मिला ही नहीं हमारे को। भाव भी कम मिलता है, काम भी कम मिलता है, तम्बाकू भी कम मिलता है, गट्टी भी कम मिलती है और कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता। बहुत परेशानी गुजर रही है। ये तो 20 साल से बना है। क्या भाव मिलता है इसका? हमारे को 80 रुपये। सरकारी रेट तो बहुत है, 150 तक की। हमने मांग करे तो बोलते वहीं से हमको इतने आदेश। नहीं होता फिर चलाना ही पड़ता है, बच्चों को बड़ा करना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कितनी बीड़ी? 1,800 जितनी बच जाती। कितने पैसे मिले? 90 रुपये। कितने बीड़ी? 1,000 बीड़ी के 90 रुपये मिलते। तम्बाकू गड्डी तो बहुत कम मिलती है, सड़ी भी आती है, वो भी खुट जाती है, कभी कभी पास से लगाना पड़ता है। तो पैसा मतलब धागा भी कभी देते कभी नहीं देते, नहीं कोई लाभ नहीं मिलता। अब ऐसे टाइम में साल पे भी कुछ नहीं मिला, लॉकडाउन के अंदर भी कुछ नहीं मिला और ना अभी कुछ मिला, कुछ भी मिला नहीं हमको, तो 1 रुपया भी लाभ नहीं मिला उसके अंदर। यहाँ तक कि जो हमारे जमा पैसे है उसके अंदर से भी हमको दिए नहीं किलो, तुम उसमें से ले लो। सरकार की तरफ से भी फायदा नहीं मिला। बीमा वगैरह से कोई लाभ मिलता है आपको? नहीं, बीमा से बस दवा ववा मिल जाती लेकिन कोई लाभ वाभ मिलता नहीं। सवाल ये आ रहा है कि बीड़ी मजदूर से ज़्यादा, ये दो जनों में 1500 है, बाकी पूरे बुरहानपुर के अंदर जितने भी है ये सारे इतने छोटे मोटे ये हो गए कि एक्साइज इन पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। कितने लाख बीड़ी बन रही है बुरहानपुर शहर के अंदर, एक्साइज डिपार्टमेंट सोएवा है, सब रिश्वत खाता है एक्साइज। क्योंकि सुपरिटेंडेंट से शिकायत किए, सुपरिटेंडेंट कुछ बोलना नहीं चाहता है, सुपरिटेंडेंट कुछ बोलेगा ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि सुपरिटेंडेंट के बाद शिकायत भी करे साहब इतने बीड़िया बन रही है, बेहिसाब बीड़िया जा रही है। ये इसमें जो परमानेंट मजदूर है ये भूखे मर रहे हैं, क्योंकि वो जो मार्केट वाले हैं वो बीड़ी सस्ती बेच रहे हैं और रेवड़ वाले महंगी बेच रहे हैं, और ये जाके घरों पे जाके दुकानों पे जाके 300, 500, 600 में बेच रहे हैं 1,000 बीड़ी। तो इसी तरह जो परमानेंट मजदूर है ये भूखे मर रहे हैं और ये बेहिसाब कमा रहे शहर के जितने भी है, तो इन पर रोक लगना चाहिए। और एक्साइज से मेरी गुजारिश है कि इस पर रोक लगाए, और नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे, क्योंकि हम जो है ना भुखमरी के शिकार होंगे। बुरहानपुर से EMS TV के लिए अकील आजाद की रिपोर्ट।